मैं यहाँ उपचुनाव में जैसे प्रभारी होने के नाते मेरा दायित्व भी ये है कि मैं यहाँ और उपचुनाव की जो सभी बातें हैं उस पर ध्यान दूँ। वैसे ही मैं 3 दिन से हमारे नेतागण से मैं पिपली में दौरा कर रही थी और बहुत सारे बातें उभर कर आई है, जैसे लोगों के मन में थोड़ा गुस्सा है और पर्टिकुलरली महिला, यहाँ बीजू जनता दल नवीन बाबू बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, पर खुद के नेता जाते हैं महिलाओं को पैसे देते हैं और उनको बोलते हैं कि हमें वोट दो। कल मेरी एक महिला का प्रोग्राम हुई थी, एक मीटिंग हुआ था, हमारे प्रोग्राम ख़त्म होते ही, हमारे वहाँ से निकलते ही बीजू जनता दल के नेता लोग वहाँ आ गए और महिलाओं पर दबाव डालने लगे। ये कौन सी वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं? वुमेन एम्पावरमेंट डज नॉट मीन उनको पैसा दे के वोट लें, और वुमेन एम्पावरमेंट डज नॉट मीन कि उनको डरा के वोट लें। सो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हुए यहाँ के महिलाओं को धोखा दे रहे बीजू जनता दल। वैसे ही ये बात भी बहुत दुखद की बात है कि फणी तूफान जो हुआ था 2019 में हुआ था, और तब से द सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो कॉम्पनसेशन दे दी थी, पर यहाँ का जो प्रदेश सरकार है अभी तक लोगों को कॉम्पनसेशन ठीक तरह से नहीं दिए। वो अभी भी टारपोलिन शीट्स के नीचे वहाँ के लोग रह रहे हैं, और लगभग 32,000 फैमिलीज ऐसे हैं जिनको कॉम्पनसेशन अभी तक नहीं मिला। इसका मतलब यही है कि केवल महिलाओं को ही नहीं बल्कि ओडिशा लोगों को भी बीजू जनता दल धोखा दे के आ रही है। इसलिए हम मानते हैं जो हमारा जो माहौल यहाँ पे था पिपली उपचुनाव में जब हम दौरा कर रहे थे, वहाँ एक बदलाव लाने की एक माहौल दिखी हमें, और हम ज़रूर विश्वास करते हैं कि यहाँ के लोग, स्पेशली पिपली के लोग, परिवर्तन की शुरुआत यहीं से करेंगे और ज़रूर भारतीय जनता पार्टी को भरपूर आशीर्वाद वोट के रूप में वो देंगे हम।